गोमिया प्रखंड के करमाटाड़ गांव के समीप बहने वाली कोनार नदी पर लगभग 2 करोड़ की लागत बना पुल महज 6 माह के अंदर ही खटिया निर्माण कार्य की पोल खोलने लगा है। बता दें कि उक्त पुल गोमिया एवं विष्णुगढ़ को जोड़ने वाला पुल है, जिससे प्रत्येक दिन सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां इस पर से गुजरती है। बताया जाता है कि उक्त पुल के निर्माण में लगभग 2 करोड़ की लागत लगी है, लेकिन संवेदक की लापरवाही एवं खटिया तरीके से नियमों को ताक पर रखकर कार्य किया गया, जिसका नतीजा सबके सामने है। महज 6 माह में ही पुल एवं पुल को जोड़ने वाली सड़क टूटने लगे हैं। घर जाएंगे काफी हो गया देखा भी गया आपको। ग्रामीणों का कहना है कि अभी पूर्ण रूप से बारिश का मौसम नहीं आया है, तो पुल की स्थिति ऐसी हो गई है। जब बारिश का मौसम अपने चरम पर होगा तो कल्पना किया जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह होगी और इस पुल की क्या हालत होगी। क्या मामला है? मामला ये है कि ये जो पुल है ये 6 महीना पहले के आसपास में ये चालू किया गया है, और ये पुल जो है 2 करोड़ की लागत में बनाया गया है, जिसमें से जो कॉन्ट्रेक्टर है वो सही से इसमें माल मटेरियल नहीं मतलब डाल पाए, जिसमें मिलावट सही से नहीं कर पाए, इस वजह से ये पुल चारों तरफ से ढह चुकी है। और देख रहे होंगे आप पूरा पुल का नज़ारा, चारों तरफ से पूरा ढहा हुआ है, और अगर 2-4 दिन और पानी आए कंटिन्यू तो ये पूरा बह जा चुका होगा। ओके, यहाँ पे बड़ा दुर्घटना होने का ज़्यादा चांसेस है। अगर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आएंगी ओवरलोड या फिर जो भी है, तो इस तरह से यहाँ पे रोड में मतलब बड़ा दुर्घटना हो सकता है। ये रोड जो है काफी जर्जर हो चुका है, चारों तरफ से पूरा चारों तरफ से बह चुका है। कितने दिन पहले ये बना था पुल? ये 6 महीने पहले ये पुल जो है बनाया गया था, जिसमें से आज 6 महीना ही 6 महीना भी बढ़िया से नहीं हो पाया है, और ये 3 या 4 दिन का जो पानी आया इसमें ये पुल पूरा पूरी तरह से ढह चुका है। का नाम? मेरा नाम सरफराज आलम है, मैं यही करमाटांड से हूँ, ग्राम करमाटांड, थाना IEL। मैं यहाँ का निवासी हूँ, और इस प्रकार मैं इधर आया, जब देखा तो मैं सोचा कि चलो ये मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 6 महीना पहले काम हुआ है, और 6 महीना अच्छी तरह से हुआ भी नहीं, और 3 या 4 दिन कंटिन्यू जो बारिश हुआ उसमें ये पुल पूरा ढह चुका है बारिश के वजह से। 2 करोड़ का लागत में ये पुल को बनाया गया था, जिसमें से कॉन्ट्रेक्टर सही से काम नहीं करवाने की वजह से, सही माल मटेरियल नहीं देने की वजह से ये पुल चारों तरफ से ढह चुका है। आप देख सकते हैं अपने से ये नज़ारा, मैं आपको दिखला रहा हूँ। तुम कहाँ नहीं ले रहा राजा, हमको भी तो फेरना है ना। तो हम बोल रहा भी काम है। हाँ काम है। अरे तू जब तक रुका है तब तक तो सब फिर ले सकता है। हाँ बन रहा था उस समय से भी काम बहुत खराब हो रहा था। उस समय भी जई को हम कंप्लेन दिए थे, आए थे तो उनको बताए थे, लेकिन वो काम जैसे तैसे करके निकल रहा था, रात में भी कर रहा था, और प्लस जब गार्डवाल बन रहा था उस समय ही वो क्रेक कर चुका था, लेकिन उसको किसी तरह ये लोग मैनेज करके और फिर से बना दिया, और जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। मतलब काम में कहीं भी लोग काम में कोई सही काम नहीं किया,
और हम लोग बार बार इसको कंप्लेन करते थे, लेकिन ये लोग अनदेखा और ठेकेदार भी मनमाना करते रहा और काम करके वो निकल गया। और इसके पहले भी हम लोग दरार पड़ा था, उस समय भी हम लोग कंप्लेन किए थे, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। और हम लोग इसमें पानी का लाइन में भी काफ़ी गाँव वाला कोई परेशान किया है, जो आज बराबर ये हम लोग का पानी भी आज दो दिन से कटा हुआ है। ये पुल बनने से प्लस जो अगल बगल वाला खेत वाला था वो भी, उनको भी मुआवजा नहीं मिला और आज उसका खेत बर्बाद हो गया, जिससे हमको लगता है कि कम से कम 5 से 10 से 15 डिसमिल जमीन बर्बाद हो चुका है इनका गाड़वाल गिरने से। और इस तरह मतलब चारों तरफ गाड़वाल के चारों तरफ टूट चुका है, पुल में भी दरार, बीच पुल में भी दरार आ चुके हैं। जो देखने का चीज़ है वो देख सकता है, कोई भी आके जाँच कर सकते हैं। इस तरह पुल का पूरा मतलब जो इसका घटिया निर्माण है वो देखने को मिल रहा है। आज 1.5 महीना भी नहीं हो चुका हुआ इस पुल को कंप्लीट किए हुए, और 1.5 महीना के अंदर ये पहला पानी में ये हाल है, तो पूरा बरसात बाकी है। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़ रेलवे गेट नंबर 1 धनबाद, मोबाइल नंबर 7004067520।